Hello, my dear students. Today I'm going to give you worksheet of science. Okay? So what you have to do? आपको क्या करना है? आपको ये जो worksheet है, ये pin page में लिखनी है. Copy के बीच में से pages निकालेंगे और उन्हें फिर उसमें आपको इस worksheet को पूरा लिखना है. ठीक है? और उसके बाद आपको इसको submit करना है 2 December को. You have to submit this worksheet. First you have to write the worksheet and you have to submit it on 2 December. याद रहेगा ना डेट 2 December को ये आपको सबमिट करना है. ठीक है, चलिए. हेडिंग डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट साइंस. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिलअप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है द लाइफ ऑफ प्लांट स्टार्ट्स विद सीड. ओके, आंसर इज सीड. सेकेंड इज अ ग्रेप वाइन हैज अ वीक स्टेम. आंसर मैंने इसमें लिखे, आपको भी लिखना है और ये आपको प्रैक्टिस करनी है. आंसर इसीलिए लिख के दिए कि आपको इसको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स इज, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्टेम ऑफ टर्मरिक इज यूज टू मेक मेडिसिन. तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? टर्मरिक. फोर्थ इज राइस इज अ सीरियल. राइस क्या है? सीरियल है. फिफ्थ इज बीन इज अ क्लाइंबर. बीन जो होता है, जिसे सेम बोलते हैं या आप बीन और पापड़ी भी बोलते हैं, वो क्या होता है? क्लाइंबर होता है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है. यहाँ पर देखिए मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है वी ईट द लीफ ऑफ दिस प्लांट. ए कैबेज, बी राइस और सी पियर. तो आंसर इज कैबेज. सेकेंड चूज द करेक्ट इज वी गेट ऑयल फ्रॉम दिस फ्रूट. ए ऑरेंज, बी मैंगो और सी कोकोनट. तो कोकोनट फ्रूट होता है और उससे ऑयल हमें मिलता है. चलिए अब है थर्ड वन. वी ईट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट एज वेजिटेबल. ए चेरी, बी पोटैटो और सी मैंगो. तो हम कौन से प्लांट्स की रूट को खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे? बी पोटैटो. फोर्थ इज विच ऑफ दीज आर नीडेड बाई अ ग्रीन लीफ टू मेक फूड. ग्रीन लीफ को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? ए क्लोरोफिल, बी सनलाइट, सी कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना ये, कि जो ग्रीन लीफ होता है वो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है. तो मतलब उसको ये तीनों चीज़ें चाहिए. तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. ठीक है, चलिए फिफ्थ वन. यस, फिफ्थ चूज द करेक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइबरस रूट्स. तो ए कैरेट, बी राइस और सी मैंगो. तो आंसर इज किसकी होती है फाइबरस रूट? राइस की. ठीक है, मैंगो और कैरेट की कैसी रूट होती है? टैप रूट होती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है मैच द कॉलम. यहाँ पर ए कॉलम है, बी कॉलम है और बीच में एक आंसर का कॉलम मैंने यहाँ पर बनाया. ठीक है, फर्स्ट है नट्स. नट्स का क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ए कॉलम में 1 2 3 4 5 लिखा है और बी कॉलम में ए बी सी डी लिखा है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और उनके सामने जो उनके आंसर्स हैं वो लिखे. नट्स का क्या बताया? यहाँ पर आंसर है सी. तो सी क्या होता है? अलमंड. ठीक है, सेकेंड बीवरेज. बीवरेज ई, कॉफ़ी को, कॉफ़ी टी को बीवरेज बोला जाता है. ठीक है, थर्ड इज मस्टर्ड. मस्टर्ड से हमें क्या मिलता है? ऑयल. तो आंसर आ जाएगा डी. फोर्थ है वीट. वीट का क्या बनाते हैं हम? फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा ए. फिफ्थ तुलसी. तुलसी क्या है? मेडिसिन. तो आंसर आएगा बी. क्लियर. चलिए ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ए पोर्शन था. अब यहाँ पर बी क्वेश्चन है नेम द पिक्चर्स. इन्हें आपको करना है बेटा नेम द पिक्चर्स को. कैसे करना है? पहला दिया हुआ है क्लाइंबर्स. तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 71 है उसमें क्लाइंबर्स की फोटो दी हुई है. तो अगर कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है ना पिक्चर्स, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप नहीं करेंगे, पर आपको याद करके रखना है कि कौन सा क्लाइंबर्स है
सेकेंड दिया हुआ है श्रब्स, ये भी है ना पेज नंबर 71 में है। थर्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मैंने लाइव क्लास में भी डायग्राम से समझाया था आपको, और बुक में ही आपको पेज नंबर 63 में मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लीव, पार्ट्स ऑफ लीव भी मैंने आपको समझाया हुआ है लाइव क्लास में, और आपको ये पेज नंबर 61 में पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिफ्थ इज मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड पेज नंबर 63 में आपको मिलेगा बुक के, और सिक्स्थ है डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड पेज नंबर 63 में ही मोनोकॉट सीड के नीचे मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर ये है 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है का ए क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट दिया हुआ है स्पिनिच लीव्स स्टोर फूड, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू। सेकेंड एन एप्पल हैज़ अ फ्यू सीड्स, ये भी क्या होगा, ट्रू। थर्ड स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन रूट, ये फॉल्स होगा, ठीक है। फोर्थ है आपका अ मॉस्किटो कैन स्पॉइल अवर फूड, फॉल्स। फिफ्थ लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, ट्रू, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, गिव टू एग्जांपल्स। पहला दिया हुआ है एडिबल सीड्स, जो खाने योग्य सीड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राइस और व्हीट। सेकेंड दिया हुआ है ऑयल सीड्स, जिनसे ऑयल निकलता है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सीड नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। थर्ड दिया हुआ है टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग स्टेम और लीफ और ये सब लिख लेते हैं कि वो मेन वो पार्ट समझते हैं प्लांट्स के, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, पर जो मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो क्या है, एक होता है शूट और एक होता है रूट, ये याद रखना है ना। इसमें स्टेम लीफ रूट फ्लावर ये सब नहीं लिखना है, मेन पार्ट्स पूछा गया है प्लांट के, तो मेन पार्ट्स प्लांट के सिर्फ दो ही होते हैं, शूट और रूट, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला है याद भी करना है इनको और प्रैक्टिस के लिए लिखना भी है। व्हाट इज टैप रूट, आंसर में द टैप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रोज इनटू सॉइल फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो आउट ऑफ इट, फुल स्टॉप। यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, क्या कौन कौन से लिखने हैं, रेडिश और मैंगो, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन अ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड के बारे में बताना है, आंसर आ जाएगा दे हैव ओनली वन थिन कॉटिलेडन इनसाइड, दे डू नॉट स्टोर फूड इनसाइड देम, एग्जाम्पल में मेज और राइस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन सीड, द फ्रूट कंटेन्स द सीड्स, कौन से पार्ट में होता है सीड्स, फ्रूट जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सीड्स पाए जाते हैं। चलिए फोर्थ वाला है क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हर्ब, तो यहीं से आपके आंसर आ जाएगा, टू एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स आर, कौन कौन से होते हैं, मिंट, MINT, मिंट एंड कोरिएंडर, पुदीना और धनिया। फिफ्थ इज नेम थ्री प्लांट्स दैट आर यूज टू मेक मेडिसिंस, फर्स्ट आंसर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लव प्लांट, क्लव मतलब लौंग के जो पौधे में ड्राई फ्लावर बर्ड्स होती है ना वो होता है, द स्टेम ऑफ द टर्मरिक प्लांट, टर्मरिक प्लांट की जो स्टेम होती वो, एंड द लीव्स, एंड द लीव्स ऑफ तुलसी एंड नीम आर यूज टू मेक मेडिसिंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर ऑयल सीड्स, आंसर इज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज मस्टर्ड सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट, यहाँ पर ग्राउंड नट में NUT आएगा, यहाँ पर कट गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट आर यूज टू मेक ऑयल, यहाँ पर लिख देती हूँ ग्राउंड के बाद यहाँ पर NUT, ग्राउंड नट, ये कट कर देती हूँ, ठीक है, तो इसको इकट्ठे लिखना है, ग्राउंड नट आर यूज टू मेक ऑयल, दीज सीड्स आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, क्लियर। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे।
फर्स्ट है व्हाट आर सीरियल्स, गिव टू एग्जांपल्स. आंसर है सीरियल्स आर द एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ले. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स. एग्जाम्पल आ जाएंगे राइस और व्हीट. ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग आंसर में. सेकेंड यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट आर स्पाइसेस, गिव टू एग्जाम्पल्स. तो आंसर में लिखना है स्पाइसेस आर जनरली ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ सर्टेन प्लांट्स दैट आर यूज टू एड फ्लेवर टू अवर फूड. हमारे फूड में फ्लेवर एड करने का काम करते हैं स्पाइसेस. एग्जाम्पल आ जाएगा बार्क ऑफ सिनामन. स्पेलिंग याद रखना सिना, CINNA, सिनामन, MON. ठीक है, और फ्रूट्स ऑफ कार्डमम. कार्डमम मीन्स इलायची और सिनामन मीन्स दालचीनी. कार्डमम, ठीक है, याद हो जाएगा. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर का क्या है. राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. आंसर आ जाएगा द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर. पहला लिखेंगे बीवरेज. बीवरेज में क्या आ जाएगा, टी एंड कॉफी, चॉकलेट, कोकोआ बीन से बनते हैं एंड शुगर. शुगर किससे बनता है, जूस ऑफ शुगर के स्टेम. ठीक है, चलिए सेकेंड लिखिए. इसमें सेकेंड आपको लिखना है, सेकेंड है स्पाइसेस. स्पाइसेस में आएगा बार्क ऑफ सिनामन, बार्क ऑफ सिनामन ट्री. जो दालचीनी होती है ना उसके लिए बोला गया है, दालचीनी पेड़ की बार्क से मिलती, छाल से मिलती है. फ्रूट्स ऑफ कार्डमम प्लांट और क्यूमिन. क्यूमिन मीन्स जीरा. थर्ड इज ऑयल्स, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट. फोर्थ इज मेडिसिंस, ड्राइड बर्ड्स ऑफ क्लोव प्लांट, स्टेम ऑफ टर्मरिक प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट सच एज नीम एंड तुलसी. Now, after long answer type question, you have to write define the terms. Question number 7. Define the terms. First is chlorophyll, a green substance in leaves which helps plants in the preparation of food. It helps leaves to absorb sunlight which is needed to make food. Now, second aayega yahan par aapka, second ho jayega dicot seed. डाइकॉट सीड का डेफिनेशन क्या है, दे हैव टू कॉटिलेडन्स इनसाइड देम, दे आर थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर फूड. एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पी और ग्राम, मटर और चना. ठीक है, थर्ड जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. नाउ फोर्थ इज स्टोमेटा. स्टोमेटा में टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लीव्स नोन एज स्टोमेटा हेल्प द प्लांट टू टेक इन एंड गिव आउट एयर. यहाँ पर सिर्फ टू लिखना है, टू टेक इन एयर इन एंड गिव आउट एयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन, ए नेम द फॉलोइंग, या इसे हम नेम देम भी बोलते हैं. फर्स्ट में लिखेंगे द गैस गिवन आउट बाय लीव्स, जो लीव्स गैस देती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन. सेकेंड है द मेन पार्ट ऑफ द शूट, शूट का मेन पार्ट स्टेम. थर्ड है सिंगल थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्रीज, तो वो हो जाएगा ट्रंक. फोर्थ आएगा प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रीपर. फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पर, फिफ्थ वाला क्या आएगा आपका, फिफ्थ में लिखना है दीज हेल्प द प्लांट टू टेक इन एयर, जो हेल्प करता है प्लांट को एयर लेने में वो है स्टोमेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ड्रॉ लेबल एंड कलर द पिक्चर. बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम क्या किया था कि ड्राइंग तो की थी, लेबलिंग भी की थी, कुछ बच्चों ने लेबलिंग नहीं की थी, मतलब नाम नहीं लिखे थे उनके पार्ट्स के जो मैंने ड्रॉ करने को बोला था, और कुछ बच्चों ने कलर नहीं किया था. बेटा इसमें तीनों चीज़ें कंपलसरी है, आपको ड्रॉ भी करना है, आपको जो आपने ड्रॉ किया उस पार्ट के नेम भी लिखने हैं जिसे हम लेबलिंग कहते हैं, और आपको उसको कलर भी करना है, और कलर वैक्स कलर यूज़ करना, स्केच पेन नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए पहला आपको बनाना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको पेज नंबर 58 में मिलेगा.
जिसमें कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में मैंने पूरा बताया था, रूट और शूट सिस्टम में सारी चीज़ें, लीफ फ्लावर है ना, वो बनाना है आपको. नाउ सेकेंड इज़ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. ये पेज नंबर 63 में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसको कलर भी करना है और उसको जहाँ पर लेबलिंग की हुई है, जहाँ नाम लिखे हुए हैं पार्ट्स के, उनको वो भी लिखना है. ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है जो कि आपको क्या करना है, पिन पेज में लिखना है और पिन पेज में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है. अपना नाम ज़रूर लिखना है, क्लास ज़रूर लिखना है, सेक्शन लिखना है. ठीक है, और आपको है ना ये जो वर्कशीट है ये कब सबमिट करने आनी है स्कूल में, 2 दिसंबर को. क्लियर, क्लियर हो गया इंस्ट्रक्शन. कब सबमिट करोगे, 2 दिसंबर को. टाइमिंग वगैरह आपको नोट मैसेज आ जाएगा उसके लिए, कौन से टाइमिंग में सबमिट करना है, पर डेट मैं आपको बता देती हूँ. 2 दिसंबर को आपको ये पूरी वर्कशीट लिख के, अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सब लिख के सबमिट करना. ओके, सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, इन्जॉय वेल. ओके.